नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। दरभंगा विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश घूम रहे हैं लेकिन अपने बगल में मणिपुर नहीं आए हैं। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में जब से घटना हुई है उसके बाद देश दुनिया घूम लिए लेकिन मणिपुर नहीं आए। यह प्रधानमंत्री का डबल स्टैंडर्ड है। उनको जहां जनता का विरोध फेस करना पड़ता है वहां नहीं जाते। उन्होंने कहा कि 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री है, क्या उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं लेकिन आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उन्हें पत्रकारों के सवाल का जवाब देना चाहिए। वह 2014 में 32 तथा 2019 में 29 सीट जीतने के बाद क्या बिहार में एक रोज भी रात्रि विश्राम किए हैं? कभी भी उन्होंने बिहार का विकास करना, फैक्ट्री लगाना, बेरोजगारी दूर करने जैसी समस्याओं पर बात नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाते हैं तो वहां 5-5 दिन रात्रि विश्राम करते हैं क्योंकि वहां आपका प्रदेश है। इसमें इतना पूरे देश घूम रहे हैं और अपने बगल में मणिपुर नहीं गए, क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? वो आप कश्मीर पे इतना चर्चा करते हैं और आप मणिपुर क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है? वहाँ पे आप, वहाँ के प्रधानमंत्री आप नहीं हैं? वहाँ जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, तब ना समझ में आएगा। और यहाँ तो छोड़िए, पूरा देश दुनिया घूम लिए हैं। तब से मणिपुर में जो घटना हुआ उसके बाद देश दुनिया घूम लिए लेकिन मणिपुर नहीं गए। तो ये प्रधानमंत्री जी का डबल स्टैंडर्ड है और जहाँ पर उनको जनता का विरोध का फेस करना पड़े वहाँ पर नहीं करते। आप बताइए ना, 10 साल हो गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या? वो मन की बात आके बोल रहे लेकिन वो सुन रहे क्या? हमारे देश में बहुत सारे मीडिया है, बहुत सारे पत्रकार है, अच्छे बात सवाल करेंगे, उनको जवाब देना चाहिए। आज तक उन्होंने एक भी सवाल नहीं है क्या जो उनको जवाब देना पड़ता? वो आते हैं सीधा भाषण देके चले जाते। बताइए 10 साल से बिहार में 14 में भी उन्होंने 32 सीट जीते, इस बार 39 सीट जीते 19 में। इतना सीट जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री बन रहे, एक रोज बिहार में आके रात्रि विश्राम किए क्या? बिहार में क्या हमें तरक्की लाना, बिहार में फैक्ट्री लाना, बिहार में जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एक रोज हमारे बिहार में रहे क्या? नहीं, सिर्फ आते हैं भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं ना होगा। आप गुजरात जाते हैं वहाँ पे 5-5 रोज रात्रि विश्राम करते हैं, एक एक चीज़ करते हैं क्योंकि वो आपका अपना प्रदेश है। बिहार को आप अपना प्रदेश नहीं मान रहे अब तो। ये सारे चीज़ आज हमारे बिहार से लेबर बन के दूसरे गुजरात में जा रहे हैं। ये नहीं चाहता कि बिहार का तरक्की हो। अब बिहार का तरक्की होगा तो यहाँ से लेबर बन के गुजरात नहीं जाएगा, दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा। तो इसलिए वो बिहार को तरक्की नहीं देखना चाहते थे। तो बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा, बिहार में कारखाने लग जाएंगे, बिहार में जो समस्या उसको दूर करेंगे, नेपाल से पानी जो आता है कोसी में उसके लिए चैनल बनाएंगे ताकि हमारे बिहार में ये जो हर साल परेशानी होता है वो सबका सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? ये तो देश के प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। कोसी बेसिन प्रोजेक्ट जो है उन्हीं को करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें बिहार के ऊपर उनको बिल्कुल ही फोकस नहीं है। खाली हाँ, बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आ रहे हैं, बिहार के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनको परेशान करने का है ईडी सीबीआई के नोटिस देकर। तो ये सारे चीज़ें सही नहीं है। अंत होगा, सबका अंत होता है और देश की जनता देख रही है। देश की जनता जो है वो मालिक है। लेकिन आज मोदी जी अपने आप को भगवान मान रहे हैं, हिटलर मान रहे हैं कि वो जो चाहेंगे वही होगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। देश का लोग इस बार सही निर्णय ले रहे हैं और 4 तारीख के बाद, देखिए 4 जून के बाद परिवर्तन आ